इस मूवी की शुरुआत में हम एक डॉल्फिन को देखते हैं जो समुद्र के किनारे अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वहाँ पर मछली पकड़ रहे एक आदमी की नजर जब उस डॉल्फिन पर पड़ती है तो वो उसे बचाने जाता है, पर वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उस डॉल्फिन की टेल एक लोहे की जाल के अंदर फंसी हुई थी जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह रहा था। उस आदमी को समझ नहीं आता कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, और तभी उसे एक बच्चा वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन जब वो उस तड़पती हुई डॉल्फिन को देखता है तो वहीं रुककर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो आदमी रेस्क्यू डिपार्टमेंट को फोन करता है जो उस डॉल्फिन को बचाने के लिए आने वाले थे। इसी बीच सोयर एक टूल से उन रस्सी और लोहे के टुकड़ों को काटकर उस डॉल्फिन को आजाद कर देता है, पर घायल होने की वजह से वो डॉल्फिन अपने शरीर को हिला नहीं पाती और उसी जगह पर चुपचाप पड़ी रहती है। कुछ देर बाद वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन वाले पहुंच जाते हैं जो उस डॉल्फिन को एक स्ट्रेचर से उठाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद जब सोयर अपने स्कूल में पहुंचता है तो उसका टीचर उसे देर से आने के लिए बहुत डांटता है। सोयर को समर स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि एक तो उनका स्कूल उन्हें पूरे साल पढ़ाता था और ऊपर से अब उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। उसका एक कजन था और एक वही था जिससे सोयर थोड़ी बहुत बातें किया करता था। उसका कजन कायल एक स्विमिंग चैंपियन था और उसका सपना था कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे, लेकिन फ्लोरिडा में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वॉलंटियर करना कंपलसरी होता है, इसीलिए कायल को मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ा। उसके जाने के बाद सोयर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और ना ही उसकी किसी चीज में कुछ खास दिलचस्पी थी। एक दिन स्कूल के बाद सोयर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उस डॉल्फिन को रखा गया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से होते हुए अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही उसे एक रूफस नाम का पेलिकन उसे अंदर घुसने से रोकता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर हेजल आती है। वो सोयर को देखते ही समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसने उस डॉल्फिन की जान बचाई थी। उस हॉस्पिटल में वैसे तो आम लोगों का आना मना था, लेकिन हेजल उसे अंदर आने के लिए कहती है और उसे अपने हॉस्पिटल के सारे जानवरों से मिलवाती है। हेजल उसे बताती है कि उन्होंने उस डॉल्फिन का नाम विंटर रखा है। जब विंटर सोयर को देखती है तो उसे देखते ही वो चिड़ियों जैसी आवाजें निकालने लगती है, जिससे पता चलता है कि विंटर को याद था कि सोयर ने ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन सोयर को पता चलता है कि विंटर की हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उसकी पूंछ बुरी तरह डैमेज हो गई थी जिसके बिना वो तैर नहीं सकती, और अगर वो तैर नहीं पाएगी तो मर जाएगी। सोयर इसके बाद अपने घर जाता है और डॉल्फिन के ऊपर अपनी रिसर्च करने लगता है। उसे अब उस हॉस्पिटल में विंटर के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और इसीलिए वो अपने स्कूल के बाद सीधा उस हॉस्पिटल में जाता था। एक दिन वो हेजल के डैड डॉक्टर किली को देखता है जो विंटर की टेल पर दवाई लगा रहे थे। सोयर उन्हें छुपकर देख रहा था, लेकिन रूफस एक बार फिर से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। क्ले की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। इससे पहले क्ले उसे डांटता, वहाँ पर हेजल आ जाती है जो सोयर को अपनी डैड की डांट से बचा लेती है। सोयर को देखते ही विंटर फिर से आवाज करने लगती है और यहाँ क्ले समझ जाता है कि विंटर सोयर को पसंद करती है। सोयर अपनी मम्मी से स्कूल जा रहा हूँ बोलकर स्कूल नहीं जाता था, बल्कि हर दिन वो विंटर से मिलने आता था। एक दिन वो देखता है कि हेजल बहुत रो रही थी क्योंकि भारी इन्फेक्शन के चलते डॉक्टर्स को विंटर की पूंछ काटनी पड़ी। विंटर अब तैर नहीं सकती थी, इसीलिए उसके ठीक होने तक कुछ लोग पूरे दिन पानी में बैठकर उसके शरीर को पकड़े रहते थे क्योंकि अगर वो तैरेगी तो उसका घाव बढ़ता ही जाएगा। डॉक्टर क्ले सोयर को एक बार पानी में विंटर के पास जाने को कहते हैं और विंटर की देखभाल करके सोयर को अच्छा लग रहा था। इसके बाद हेजल और सोयर दोनों एक बोट पर बैठकर बातें करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि जब सोयर 5 साल का था तो उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे, और हेजल की मॉम की भी मौत हो गई थी जब वो 7 साल की थी। डॉक्टर क्ले अपने हॉस्पिटल की बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें अपने काम को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी जो उनके पास बिल्कुल नहीं थे, और ऊपर से सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो उस हॉस्पिटल को एक बिजनेसमैन को बेच दें जो शायद आगे चलकर उसे एक होटल बना देगा। एक दिन जब सोयर अपने घर आता है तो उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है। वो उससे पूछती है कि वो हर दिन कहाँ जाता है, लेकिन सोयर उन पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके अंकल सोयर की मॉम से कहते हैं कि एक बार उसे जाकर देखना चाहिए कि वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो आजकल इतना खुश है, क्योंकि वो पहले इतना खुश कभी नहीं था। अगले दिन सोयर की मॉम उसके साथ उस हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन रूफस जो अपनी आदतों से मजबूर था हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें परेशान करने लगता है। सोयर की मॉम देखती है कि वो तो एक डॉल्फिन की देखभाल कर रहा था, एक बेजुबान जानवर जिसे मदद की जरूरत थी। ये देखकर उसकी मॉम उसे वहाँ रुकने के लिए दोबारा कभी नहीं रोकती और उसे एक स्विम सूट भी खरीद कर देती है ताकि वो पानी में देर तक बिना भीगे रह सके। इसके बाद फिर क्या था, सोयर हर दिन विंटर से मिलने जाता था और उसके साथ पूरे दिन खेलता था।
उसे हर दिन वहाँ नए नए जानवर देखने को मिलते थे जो इंसानों की वजह से तकलीफ में थे। एक दिन विंटर अपने आप ही पानी के अंदर अपने हाथ पैर चलाने लगती है, लेकिन उसे अपनी टेल महसूस नहीं हो रही थी। पर विंटर फिर भी बिना किसी सपोर्ट के पानी में तैरना सीख गई थी। एक दिन जब सॉयर अपने घर जाता है तो उसे एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। उसका कजन कायल एक एक्सप्लोजन की चपेट में आ गया था। उसकी मौत तो नहीं हुई थी, पर वो बुरी तरह से घायल हो गया था। डॉक्टर क्ले सॉयर को उसके कजन की हालत का दुख जताते हैं और उसे उस रात विंटर के पास ही रुकने की परमिशन दे देते हैं। सॉयर ठंडे पानी में अपने पैर डालकर बैठा हुआ था और अपने कजन के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो डॉल्फिन उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है, जिसके बाद सॉयर उस पानी में कूद जाता है। सॉयर ने अपने कजन की घर वापसी के लिए पार्टी रखी थी, पर वो उसके घर नहीं आता। वो नहीं चाह रहा था कि कोई भी उसे इस हादसे के बाद उसे सिंपथी की नजर से देखे, क्योंकि इससे उसे बहुत दुख होता था। डॉक्टर क्ले को पता चलता है कि तैरने की वजह से विंटर की रीढ़ की हड्डी पर बहुत जोर पड़ रहा था, क्योंकि अब उसकी पूछ नहीं थी, इसीलिए वो तैरने के लिए लेफ्ट से राइट मोशन कर रही थी, जबकि उसके शरीर के बनावट के मुताबिक उसे ऊपर से नीचे मोशन करना चाहिए। क्ले उसे कहता है कि अगर वो ऐसे ही तैरती रही तो वो जल्द ही मर जाएगी। सॉयर और उसकी मॉम कायल से मिलने जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पैर पैरालाइज हो चुके थे। कायल किसी से बात नहीं करना चाहता था और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। सॉयर की मुलाकात वहां डॉक्टर मैकार्थी से होती है, जो घायल सोल्जर्स के लिए प्रोस्थेटिक हाथ पैर डिजाइन किया करते थे। उसे लगा कि वो शायद विंटर की मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और उन्हें विंटर की कंडीशन के बारे में बताता है। मैकार्थी उन्हें कहता है कि मछलियों की स्किन बहुत नर्म और चिकनी होती है, इसीलिए किसी भी चीज को उसकी बॉडी से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन सॉयर के रिक्वेस्ट करने पर वो एक बार कोशिश करने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो सभी मिलकर विंटर के लिए एक प्लास्टिक की पूछ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से वो पानी में तैर सके। एक रात मैकार्थी जब अपने घर जा रहे थे तो वो कायल को देखते हैं, जो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके साथ के एक कॉम्पिटिटर ने स्विमिंग में उसके स्टेट लेवल रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। मैकार्थी उसे कहता है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, क्योंकि लाइफ में ऑप्शन कभी कभी इंसानों को कंफ्यूज कर देते हैं और कभी कभी जीने का एक नया मकसद देते हैं। वो कहता है कि अब उसे अपने घर लौट जाना चाहिए। डॉक्टर मैकार्थी ने उस प्लास्टिक की पूछ को तैयार कर लिया था। वो किसी तरह उसे विंटर के शरीर से जोड़ भी देते हैं, पर विंटर को वो पसंद नहीं आता और वो उसे इतनी जोर से हिलाती है कि उस प्लास्टिक की पूछ के टुकड़े हो जाते हैं। क्ले न्यूज में देखता है कि फ्लोरिडा में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे बचने के लिए वो सभी पूरे हॉस्पिटल को लॉक करने लगते हैं। लेकिन वो तूफान इतना ताकतवर था कि जब क्ले बाहर निकलकर देखता है तो उसका आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तूफान की चपेट में आ गया था, जिसमें उनकी कारें और एम्बुलेंस सब मलबे में दब चुकी थी। उनका हॉस्पिटल पहले से ही कर्जे में चल रहा था और इस नुकसान की वजह से अब उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वो उसे उस बिजनेसमैन को बेचने के लिए तैयार थे। क्ले को पता चलता है कि सभी जानवरों को उन्हें उनका नया घर मिल जाएगा, पर उस बिना पूछ वाली डॉल्फिन को कोई लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी एक घायल जानवर को अपने पास नहीं रखना चाहता था। वो क्ले को एडवाइस देते हैं कि उसे अब गहरी नींद में सुला देना चाहिए और ये शायद उसके लिए एक भलाई का काम होगा। इसी बीच कायल उनसे मिलने आता है। सॉयर उसे दोबारा देखकर बहुत खुश था। उस घायल डॉल्फिन को देखकर कायल के अंदर एक बार फिर से जीने की इच्छा जागती है। जब डॉक्टर क्ले उन्हें विंटर को मारने के बारे में बताते हैं तो हेजल और सॉयर इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर क्ले उन्हें समझाता है कि अब उसके पास पैसे नहीं है और वो उसे आगे तक जारी नहीं रख सकता है। सॉयर निराश होकर अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक लेडी अपनी विकलांग बेटी के साथ विंटर से मिलने आई थी, जिसके बारे में उसने न्यूज में पढ़ा था। सॉयर उन्हें अंदर ले जाता है और वो छोटी लड़की विंटर को देखकर खुश हो जाती है। उस विकलांग लड़की की मुस्कुराहट और उसकी आंखों में उम्मीद देखकर सॉयर को एक बहुत यूनिक आइडिया आता है। वो एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके विंटर के लिए पैसे जोड़ने वाले थे, लेकिन जब वो इसके बारे में क्ले को बताते हैं तो वो उन्हें कहता है कि इकोनॉमिक्स इस तरह काम नहीं करती और इस इवेंट से कुछ नहीं बदलने वाला। उसके इस जवाब ने उन दोनों को निराश कर दिया था। हेजल के नाना क्ले से कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे हार मानने को तैयार नहीं है तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो। वो विंटर को बचाने के लिए कम से कम एक कोशिश तो कर ही सकता है। वो seewinter.com नाम से एक वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें लोग विंटर को घर बैठे बैठे लाइव देख सकते थे, और उन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। कायल की दोस्त एक न्यूज रिपोर्टर थी। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो विंटर के बारे में अपने न्यूज चैनल में बताए, जिससे उनकी बात देश भर में पहुंचे। देखते ही देखते उस हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। डॉक्टर मैकार्थी विंटर के लिए एक स्पेशल प्रोस्थेटिक टेल तैयार करके लाए थे,
लेकिन जब वो उसे विंटर को पहनाते हैं तो विंटर एक बार उसे फिर से झटके मार मार कर नीचे गिरा देती है। उन्हें किसी भी तरह इवेंट के होने से पहले विंटर की पूछ को तैयार करना था। सॉयर समझ नहीं पा रहा था कि विंटर ऐसा क्यों कर रही है। वो पूरी रात उसके साथ बैठा था, तभी विंटर उसके पास आती है और उसे इशारों इशारों में उस सफेद रंग के सिलिकॉन को निकालने को कहती है। सॉयर समझ जाता है कि शायद उसे इसी चीज से प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि प्लास्टिक की ये टेल उसके शरीर का हिस्सा नहीं। इसके बाद डॉक्टर मैकार्थी एक नए तरह का सिलिकॉन जेल तैयार करते हैं जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार ये काम करेगा और बिल्कुल वैसा ही होता है। उसे लगाने के बाद विंटर ठीक तरीके से तैर पा रही थी। इवेंट के दिन हम देखते हैं कि कायल और उसके साथ का एक कॉम्पिटिटर वहां पर आए लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक स्विमिंग रेस करने वाले थे, लेकिन ये एक रिले रेस थी जिसमें एक ही टीम के अंदर एक से ज्यादा खिलाड़ी रेस लगाते हैं। कायल पानी में थोड़ी दूर तक जाकर पानी से बाहर निकल जाता है और उसके निकलने के ठीक बाद वो लोग विंटर को पानी में डाल देते हैं, जो उस दूसरे तैराक को पीछे छोड़कर कॉम्पिटिशन को जीत जाती है। हम देखते हैं कि विंटर अपनी नई पूछ के साथ नए नए करतब कर रही थी और उनका ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इस इवेंट में वो बिजनेसमैन भी आया था जिसने अब उनके हॉस्पिटल को खरीद लिया है। वो उनके इस काम से बहुत खुश था। वो डॉक्टर क्ले से कहता है कि उनके लोग वहाँ होटल बनाने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लगाएंगे, इसीलिए तब तक वो अपने हॉस्पिटल में काम कर सकता है और वो इन जानवरों पर होने वाले सभी खर्चों को उठाएगा। ये बिजनेसमैन सच में एक भला आदमी था। इसके बाद हमें विंटर की कुछ रियल लाइफ फुटेज दिखाई जाती है जिसे 2005 में रेस्क्यू किया गया था। इस फिल्म में हमने जिस डॉल्फिन को देखा वो असली विंटर थी। खैर, विंटर अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो 11 नवंबर 2021 को इस दुनिया से चल बसी। सॉयर की वेबसाइट seawinter.com अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसका नाम बदलकर CMA एक्वेरियम यानी क्लियर वाटर मरीन एक्वेरियम कर दिया गया है, जहां हम आज भी वहां पर लगे लाइव कैमरा से उस हॉस्पिटल के सभी जानवरों को घर बैठे बैठे देख सकते हैं। विंटर की अस्थियों को उसी समुद्र में बहाया गया जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था। अब ये हॉस्पिटल सिर्फ एक डॉल्फिन और कई लोगों की मेहनत के दम पर इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया भर से लोग यहां घूमने जाते हैं। इतना ही नहीं, जब 2020 में पूरी दुनिया COVID-19 पैंडेमिक से जूझ रही थी तो इस एक्वेरियम ने अपने एक्सपेंशन के लिए $80 मिलियन रेज किए और इन पैसों का इस्तेमाल एक्वेरियम को और बड़ा और बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ विंटर की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।